बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेटेस्ट फैशन। व्यूवर्स, लेटेस्ट फैशन में आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी फ्रॉक्स के डिज़ाइंस लेकर आई हूँ आपके बेबीज के लिए। बहुत ही खूबसूरत पार्टी वियर ड्रेस हैं ये, पार्टी वियर फ्रॉक्स इसको कह सकते हैं, ईद वियर भी कह सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश हैं। और सबसे मज़े की बात, तमाम फ्रॉक्स के डिज़ाइंस जो हैं वो कॉटन फैब्रिक पर हैं, जिन्हें बच्चे ईद पर इजीली पहन सकते हैं और कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि ईद पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत फ्रॉक है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा फ्रॉक है ये। व्यूवर्स, अगर इस तरह के ड्रेसेस आप खुद फैब्रिक परचेस करके सिलवाना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद का कपड़ा लेके, अपनी पसंद का प्रिंट लेके, अपनी पसंद से सिलवा सकते हैं। डिज़ाइनिंग आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं, जो भी डिज़ाइन आपको इसमें से पसंद हो उस हिसाब से आप कपड़ा लेके खुद घर में भी बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक सिलवा सकते हैं। अगर आपको खुद को सीने आते हैं तो आप खुद भी सी सकते हैं। इस पूरी वीडियो में आपको बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश फ्रॉक्स के डिज़ाइंस मिलेंगे, ईद कलेक्शन, पार्टी वियर, फंक्शन में भी पहनी जा सकती हैं इस तरह की फ्रॉक्स गर्मियों में। तो व्यूवर्स, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लोग इसी तरह से मेरी नई नई वीडियोज़ को देख सकें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, डेफिनेटली अच्छी लग रही होगी, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी अपने बेबीज़ के लिए खूबसूरत खूबसूरत क्यूट क्यूट से फ्रॉक्स का डिज़ाइंस बनवा सकें। व्यूवर्स, वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई खूबसूरत डिज़ाइन देखने से आप महरूम रह जाएं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एंड पे ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन होते हैं। हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को किसी तरह के डिज़ाइन पसंद हैं, किसी को किसी तरह के, तो हो सकता है एंड में आपकी पसंद के डिज़ाइन आ जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, देखते रहिए लेटेस्ट फैशन, एंजॉय करते रहिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।